अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अब तक की अहम खबरें और उन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। आज इस हवाले से अहम दिन कि आज फेडरेशन के दो जो फेडरेटिंग यूनिट हैं, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जो तकरीबन फेडरेशन के 50% के लगभग है, जिसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पाई जाती है, और यूं कहा जाता है कि पंजाब चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, उसका बजट पेश किया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल आर्म कह दें, जहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होती है, हम अगर सिंध की बात कर लें तो सिंध का बजट पेश किया गया। दोनों सूबों के बजट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सिंध का बजट पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो शिकवों भरा बजट था जी, और सिंध की हुकूमत के जो वजीर आला हैं वही वजीर ख़जाना भी हैं। उन्होंने बजट पेश किया और कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने जितने दौरे गुज़िश्ता एक साल के दौरान कराची के किए हैं, उन्होंने 162 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो अनाउंस किए थे, और आज की डेट तक जो फेडरल बजट आया है उसमें उन्होंने सिर्फ 12 अरब रुपया हमारे लिए एलोकेट किया है। बाकी 150 अरब रुपया कहाँ से आएगा? और वो मंसूबे अनाउंस करके गए हुए हैं, और हमारे पीछे उन्होंने डंडा चलाना शुरू किया हुआ है कि जनाब ये मंसूबे आप शुरू नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए वफाक ने पैसे नहीं रखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे शिकवे किए उन्होंने। इधर पंजाब के अंदर जो है वो हेल्थ का 20% बजट बढ़ाने की बात की गई है, एजुकेशन का बजट डबल करने की बात की गई है, और ये उस फिगर से डबल किया गया है जो मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक्तदार आने के बाद, चूंकि अगर आपको याद हो तो सिर्फ वफाक का बजट दिया था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि PMLN की हुकूमत ने जाते हुए जो बजट दिया था वो सिर्फ वफाक में दिया था, सूबों में नहीं दिया था। तो सूबों में PTI ने आगे पहले एक बजट दिया सालाना, और उसके बाद एक मिनी बजट, ज़िमनी बजट भी दिया, और उन फिगर से 20% जो है वो हेल्थ का बजट बढ़ाया गया है, और वो कह रहे हैं जी हमने एजुकेशन का बजट डबल कर दिया है। इसमें देखना पड़ेगा कि वो किस फिगर को बेस मान के उसको डबल करना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल 6 नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बात भी की है। इसके अलावा 40 अरब रुपये से उन्होंने नए हॉस्पिटल बनाने की बात की है। लेकिन इसके अंदर जो अगर हम टैक्सेशन साइड पे देखें जो कैच है, तो स्टॉक ब्रोकर, मनी चेंजर, डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, ठेकेदार, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, टैक्स कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कंसल्टेंट, इन सब के ऊपर, और वकला, लॉयर्स, इन सब के ऊपर सालाना टैक्स लगाया है पंजाब हकूमत ने। हमें याद है जब PMLN की हुकूमत आई थी 2014 में, तो उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स लगाया था डॉक्टर्स और वकला के ऊपर, और वो टैक्स जो था एक साल तक अदालतों में धक्के खाते हुए अगले साल उनको हाथ जोड़ के वापस लेना पड़ा था। उस टैक्स की मद में मिला कुछ नहीं था। अब चूंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बन चुकी है, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बनने के बाद कोई नया सिस्टम और मैकेनिज़म भी आया होगा, हम यकीनन इसके बारे में एक अच्छी उम्मीद रखें, तो उसके नतीजे के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले वफाक का बजट जब पेश हुआ है तो उसमें स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर जो था वो टैक्स लगा। अब सूबे ने भी इसमें हाथ धो लिए, अब सिर्फ रह गई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर, उसने अभी इन ब्रोकर्स पे टैक्स लगाना है। लेकिन इतने मल्टीपल टैक्सेशन क्यों? यही रोना जो है वो बिजनेसमैन रोता है, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते रहे हैं। एक बिजनेसमैन के पास मल्टीपल टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जब जाएंगी तो उसके लिए यकीनन कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। ये मौजू है जी आज का हमारा पहला। दूसरा, आज फरियाल तालपुर साहिबा को, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, और उनकी गिरफ़्तारी जो है यूं पेश आई कि उनके घर को सब जेल करार दे के उन्हें घर में बंद कर दिया गया। चूंकि पिछले दिनों चेयरमैन नैब ने यह कहा था कि हम ना सिर्फ के ख़वातीन जो हैं मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ की जिनका नाम आ रहा है, उनको ना सिर्फ के गिरफ़्तार नहीं करने का इरादा रखते बल्कि उनको तलब भी नहीं किया जाएगा, उनको सवालनामा उनके घरों पे भेज दिया जाएगा। इसी तरह इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को भी जो सवालनामा था वो उनके घर इरसाल किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है, बदखाहों का, मेरा तो नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि इस एक्ट को बैलेंस करने के लिए आज पंजाब के जो मिनिस्टर हैं सत्यन खान साहब,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सप्तान खान साहब माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, परवेज़ लाई साहब के वो मिनिस्टर थे। इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने चिन्योट में कुछ माइंस का जो ठेका वेका उस वक्त दिया था, लेकिन कुछ बदखा जो हैं वो इसको बैलेंसिंग एक्ट भी करार दे रहे हैं। बिलावल ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि दुआ करें कि आपके बाद हमारी हुकूमत आए, क्योंकि हम ख्वातीन की इज्जत करते हैं। अगर कोई ऐसी हुकूमत आ गई जो इंतकाम पर यकीन रखती हुई, तो आपके घर में भी बहनें और बेटियां हैं। डॉलर ने जी उड़ान जारी रखी, 155 का हो गया, इंटर बैंक के अंदर भी बात कर रहा हूँ, यानी सरकारी रेट उसका 155 क्रॉस कर गया आज के दिन, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रहा है। और वो जो IMF की और जो फिच की रिपोर्ट थी कि दिसंबर तक 170 पे चला जाएगा, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, मुझे तो लगता 30 जून तक ही 170 पे चला जाएगा। ये आज की खबरें, आज के पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। मोहसिन गुराया साहब एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान की सहाफत में एक बहुत मोतबर नाम है। गुराया साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ़ लाने की। और उनके साथ डॉक्टर फरजाना, हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर, एकेडमिशियन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा मुमताज़ भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ़ोन लाइन के ऊपर, इस्लामाबाद से, दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार इस्लामाबाद के। गुराया साहब, बजट डिस्कस कर। जी जी प्लीज़। बजट हमारा जो है ना, मैं अगर उस पर कहूँ तो ख्वाहिशात हमारी लामहदूद हैं, पैसे हमारे पास थोड़े हैं, तो हमारा बजट ऐसा ही नहीं होता हर साल। रजी भाई देखें, वो एक शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक रोज। देखें, हम वो मुल्क हैं और जो मौजूदा सिनेरियो में जो हमारे माशी हालात हैं कि जिनके पास हम कहते हैं कि कंगले हैं, हम तो एक कंगला मुल्क हैं, और हमने अपनी जो अमलाक थी कौमी अमलाक, उनको बेच बेच कर, किसी को गिरवी रख कर, किसी से कर्जा लेकर इतने अरसे तक हमने इस मुल्क को चलाया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे डर था कि अगर ये इसी तरह ही करते रहे तो किसी वक्त ये आएगा कि हम पाकिस्तान का नाम हटा के यहाँ IMF का या अमेरिका का या चाइना का या जो और हमारे डोनर कंट्रीज़ हैं उनका नाम दे दिया जाएगा। बट मैं समझता हूँ कि अगर तो हम देखें, टैक्सेशन की बात आप कर रहे थे, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं ना, आम बंदों को, आम लोगों को तो टैक्स से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन देखें कि अगर आपने एक मुल्क को एक बावकार मुल्क बनाना है, उसको पाँव पर खड़ा करना है, तो टैक्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। अब देखें ना कि दो इस वक्त हमारे पास रास्ते थे, देखेंगे जो सूबों के बजट हैं, ठीक है कि ऑटोनॉमी होती है, बट एक फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है ज़रा उसके अंडर देख के सारा कुछ चला जाता है। एक तो तरीका ये था ना कि उसी तरह जिस तरह पिछले 20-25 साल से हम करते थे कि IMF से भी कर्ज ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, लोगों पर टैक्स ना लगाए, लोगों को टैक्स कम रखा, खुद भी खाया, और एक ऐसा सिनेरियो बना दिया, और उसके बाद इलेक्शन में चले गए और कभी वाह हो गई कभी ना हुई, लेकिन मुल्क खोखला हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि किसी ना किसी ने तो पहला कदम उठाना था। अब मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिनेरियो में अगर हम इस पर तनकीद करना चाहें तो बहुत सारी तनकीद है, लेकिन अगर टैक्सेशन फेडरल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर की गई है तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत है। बातें तो हम सारे जब करते हैं तो हम कनाडा की करते हैं, USA की करते हैं, UK की करते हैं, यूरोपियन ममालक की करते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है, देखिए एक वक्त था बड़ी हंसी आती थी, मुझे नहीं पता कि वो फेक था पॉलिटिकल था, कि कहते थे जी कि एक मुल्क का जो दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा मियां नवाज शरीफ, वो 5,000 टैक्स देता है। हो सकता है वो ज़्यादा देते हो, किसी ने एग्जैजरेट किया हो, बट हमारी मिन हैसुल कौम सवाए, देखें रजी साहब, हम जैसे जो लोग जो तनख्वाहें लेते हैं उनका टैक्स कट जाता है, बाकी 90% लोग तो टैक्स देते ही नहीं हैं। सही। तो अगर हम इसी तरह का रवैया रखेंगे तो कितनी देर तक मुल्क चलेगा? सो मैं समझता हूं और मैं बड़ा होपफुल हूं कि अगर टैक्सेशन की गई है तो इस टैक्स को पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर एक बात आती है कि हमारा जो FBR है, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है
کیا صوبوں میں جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ پی آر اے تو بن گئی ہے، لیکن پی آر اے نے پچھلے سال دو سال میں پنجاب میں کیا کیا ہے، کتنی انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی ہے؟ پچھلی دفعہ ان کا 165 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا اور 105 ارب روپے اگر میری یادداشت صحیح یاد دے رہی ہے تو انہوں نے اکٹھا کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ چلیں کہ اگر انہوں نے 165 کا ٹارگٹ دیا تھا، 105 کر لی ہے، تو اگر یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں تو ملک کو اگر ہم پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی تو سب کو دینی پڑے گی. کہہ تو نہیں تھی کل فردوس آشکوان بھی کہ کڑوی گولی ہے اور ہم اس کو شوگر کوٹڈ، میں کہتا ہوں شوگر کوٹڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یار ہم یہاں کھڑے ہیں، اگر آپ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ جی جی. اچھا، 1000 اسکوائر فٹ کی جو دکان ہے یا آپ اسے ڈپارٹمنٹل اسٹور کہہ لیں، اس کی جو گراس سیل ہے، میں اب تک جو سمجھا ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، اس کی گراس سیل کا 5% جو ہوگا وہ ایز اے انکم ٹیکس سرکار لے گی، اور اس ہر ڈپارٹمنٹل اسٹور کو آن لائن کنیکٹ کیا جائے گا ایف بی آر کے ساتھ تاکہ اس کی ساری سیل ایف بی آر میں مانیٹر ہو سکے. بھائی جان، ہمارے زیادہ تر جو بزنس مین ہیں یا اس لیول کے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم 7 سے 10% کے مارجن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ این ایوریج. 5% وہ اٹھا کے ایٹ این دے دے اگر سرکار کو، تو انہوں نے اے سی بھی چلانا ہے، ملازم بھی رکھنے ہیں، صفائی والا بھی ہے، ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دینا ہے، یہ کیا یہ پریکٹیکیبل ہوگا؟ آپ کی رائے. دیکھیں، یہ ایک چیز ان کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے ایف بی آر نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ تمام سٹوروں کے اندر اپنے انسپیکٹر بھیج دیے، فیکٹریوں کے اندر ٹیمیں بھیج دیں اور چھاپے مارے جاتے تھے اور ان کی انوائسز جو ہیں وہ قبضے میں لے لی جاتی تھی. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ریزسٹنس تھی، اور اس کے بعد جب سے نئے چیئرمین آئے ہیں ایف بی آر کے، اچھا پھر ایک اور چیز یہ کر رہے تھے کہ ایک ایسٹیمیٹڈ آپ کو بھیج کے ٹیکس کا بل، اور پھر آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دیتے تھے. اور نیچرلی جب کسی سرمایہ کار کا یا صنعت کار کا کمپنی کا اکاؤنٹ سیز ہوتا ہے تو وہ اپنی باقی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں، جو بزنس ہوتا ہے، جو تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ نہیں دے پاتی اور الٹیمیٹلی وہ کلیپس ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے سلیقے سے یہ کام کرنے کو لگے ہوئے تھے. ابھی نئے چیئرمین آئے، ان سے جب ہم نے پہلا انٹرویو کیا تو یہ بات ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے آرڈر تو میں یہ کر رہا ہوں، کل میں نے میٹنگ لینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ سیز نہیں کریں گے کسی فرم کا یا کمپنی کا، تاکہ وہ اپنے ٹرانزیکشن یا اپنے جو فائنینشیل امور ہیں وہ چلا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ دیوالیہ ہو کر بیٹھ جائیں. تو وہ اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، پہلے کی طرح اب نہیں سیز کی جا رہی ہے. آپ کو ایک بڑے بزنس گروپ کا بتاتا ہوں، سیاسی خاندان بھی ہے اور پیپل پارٹی ان کا ایم پی اے بھی ہے، ان کو 22 ارب روپے کے ٹیکس، 22 ارب روپے کے، اور 22 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ بھیج کر ساتھ نوٹس بھی بھیجا گیا کہ نہیں تو گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. تو وہ بیٹھے جو ہے وہ نوہ پڑھ رہے تھے ان کا، اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم پوری پراپرٹی اگر پاکستان کے اندر سے بھیج دیں تو 22 ارب روپے کی ورتھ نہیں بنتی، اور 22 ارب کے ٹیکس ویسٹ بھی نے پتا نہیں کیسے بھیج دیے. ایکچولی اس کے اوپر پھر بارگیننگ ہوتی ہے، بارگیننگ کر کے پیسے لیتے ہیں، اور اس کا ایک نیا راستہ کھول دیا گیا ہے کہ آن لائن مانیٹرنگ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیسے جو ہے وہ کس کی پروڈکشن کتنی ہے، سیل کتنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایف بی آر جتنا کرپٹ ہو چکا ہے، ویسے تو ہمارے معاشرے میں کرپشن رواج کے طور پہ جو ہے موجود ہے، رائج ہو چکی ہے، لیکن ایف بی آر تو یہ 2-3 محکمے جو ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، آپ کا ایف بی آر، اور یہ تو بالکل ہیں اسی لیے کہ یہ پیسے کمائیں، اور انہوں نے ملک کو کما کے کچھ نہیں دینا. تو اگر اسی گلے سڑے کو سیدھا جو اسٹرکچر ہے ایف بی آر کا، اس کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ریکوری ٹیکس ریکوری بہتر کر لیں گے یا ٹیکس اصلاحات بہتر کر لیں گے. رضوان صاحب، آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ممبر لیول کے جو گریڈ 21 کے افسران ہیں، ان کی کرسیوں اور کمروں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اور کورٹ سے جا کے سٹے لے لیا جاتا ہے، جس کو ہٹایا جاتا ہے وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑتا. اس لیول کے جو ہے وہ انٹرنل امور ہیں ایف بی آر کے. تو اس کے ساتھ اگر آپ ملک کو ٹھیک کرنے چلے ہیں تو اللہ بھلا کرے، پھر کیا کیا جا سکتا ہے. چلیے چلیے، 50 لاکھ تک سالانہ جو کمپنی کا ٹرن اوور ہے وہ 10,000 روپیہ ٹیکس دے گی سالانہ، 5 کروڑ تک جو ہے وہ 30,000 روپیہ دے گی، 10 کروڑ تک 1 لاکھ روپیہ،
जिसके 10 से 25 मुलाजमीन होंगे वो 5000 रुपया, और 25 से ज्यादा जिसके मुलाजमीन होंगे वो 7500 रुपया। हर वकील जो है 1000 रुपया साल का टैक्स देगा। टैक्स की अमाउंट बड़ी नहीं है, लेकिन देखिएगा स्टे इस पे कैसे आता है। मोटरसाइकिल डीलर जी 6 से 10 हजार रुपया देगा। कार डीलर, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो 20,000 रुपया टैक्स देंगे सालाना। रिक्रूटिंग एजेंट ये भी 20,000 देंगे। डॉक्टर हकीम जो है ये 3,000 रुपया देंगे। होम्योपैथिक 3,000 रुपया। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो 4,000 रुपया। ज्यूलर्स फी शॉप 3,000 रुपया टैक्स देंगे। ये ज्यादती वाली बात है कि बट ज्यूलर जो है वो भी 3,000 रुपया टैक्स दें। नहीं, मेरे ख्याल में ये कम से कम होगा। नहीं, ये फिक्स टैक्स है। नहीं, उनकी जो टर्नओवर है जिस तरह उनका जो वही नहीं, 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 यही सवाल है। नहीं, ये तो होगा ना, आई थिंक सो रजी साहब, कि एक फिक्स टैक्स तो है बट उनका जो टर्नओवर है वो उनके पैसे आ रहे हैं उस पे तो अलग होगा। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने ज्वेलर्स के ऊपर ना 5% टैक्स लगाया है उनकी इनकम। ये बात अभी ठीक है कि कोई क्लासिफिकेशन तो होनी चाहिए ना कि कहाँ एक बड़ा ज्वेलर और कहाँ एक छोटा ज्वेलर, कहाँ एक छोटा सा गली मोहल्ले वाला, उन दोनों के ऊपर अगर आप बराबर का टैक्स लगा रहे हैं तो ये डिस्टॉर्शन है। और बहुत सारे ज्वेलर्स ने तो अब दुकानें वैसे ही बंद कर दी हुई हैं, वो कोठियों के अंदर उन्होंने दफ्तर खोले हुए हैं, उनके अंदर ही जाके कार पार्क होती है, बाहर गार्ड खड़े हुए हैं और वो अंदर घरेल घर जैसा माहौल है, वहां पे वो ख्वातीन को जेवर दिखाते हैं और वहीं से वो उनको कर लेते हैं। लाहौर का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर डॉक्टर साहिबा, अभी पिछले दिनों उसको 36 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया और उसके बाद नेगोशिएशन हुई और 3.5 करोड़ रुपया जो था वो उन्होंने टैक्स के तौर पे दिया और 1.5 करोड़ रुपया एफबीआर के स्टाफ को दिया। यूं 5 करोड़ के अंदर उनकी डील डन हुई। और ये मतलब कि कहाँ पे वो 35 करोड़ और उसका 10% तकरीबन 3.5 करोड़ कौमी खजाने को मिला। तो अगर तो इस तरह की आपने करनी है तो वो तो बात तय है कि हमारे टैक्स ऑफिशियल्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिश है। अजीज साहब, एक कहाँ से बात करें शुरू और कहाँ पे ख़त्म करें? देखें, स्टार्ट करती हैं हमारी हुकूमत के तमाम जो टीवी पे आते हैं नुमाइंदगान और उनके वुस्ता और उनके सब इनके हमायती, वहाँ के बात का आगाज़ करते हैं जी इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने मुल्क ठीक करने का टास्क दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक करने का तो दिया है, क्या ख़राब करने का दिया था? मुल्क तो जिस दिन से ये आए हैं गंगा ही उल्टी बह गई। आप देखें आज की ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक इनकी 52% FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कम हो गई है। आप जानते हैं गैस और बिजली के बिल जिस तरीके से आसमान की तरफ जा रहे हैं, आज फिर कितना 1.5 रुपया आज फिर बढ़ा है जी, जी, पर यूनिट आज फिर मतलब बिजली का बिल, यानी कि हर महीने आप एक एडेड बिल जो है वो आवाम के ऊपर लाद रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जिस तरह अभी बात भी हो रही थी, मोहतरम मोहसिन कुरैश साहब ने भी कहा कि अवाम के ऊपर शायद टैक्स का इतना असर नहीं पड़ता, हर टैक्स का अवाम के ऊपर ही असर पड़ता है। और ये कि टैक्स पेयर हर कोई है, मतलब हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर दे रहा है टैक्स, और जो हम एक सेल टैक्स दे रहे हैं उसमें तो हर झोंपड़ी वाला भी टैक्स दे रहा है। जितनी महंगाई जो है वो ट्रिकल डाउन होनी है उसके ऊपर सफर तो आम आदमी है। आप किसी बाहर जाके चिंची चलाने वाले से पूछें जो पहले वो 10 रुपए एक स्टॉप के लेता था वो 20 रुपए के ऊपर सवारी उतार रहा है, बिकॉज इसके साथ ही एसोसिएटेड है पेट्रोल की कीमतें, कि पेट्रोल की कीमतें जो है उससे मोबिलिटी महंगी हुई और मोबिलिटी जो है उसने ना सिर्फ ये कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से असरार डाले बल्कि हर चीज के ऊपर, सब्जी और फल तक आपको पता है इससे महंगा होता है। बात यह है रजी साहब के मुल्क जब इन्होंने लिया था तो उस वक्त किस स्टेज पे था, और मुल्क 10 महीनों के बाद, इस वक्त 11वां महीना शुरू हो गया मेरा ख्याल है, होने वाला है कल परसों शुरू हो जाएगा, 11वें महीने में पीटीआई की हुकूमत में मुल्क किस स्टेज के ऊपर है? भाई पिछले साल मई में पिछली हुकूमत गई, किसी इंटरनेशनल इदारे ने रजी साहब मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के हवाले से नहीं लिखा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कंसर्न शो नहीं किए। मोडीज हैं बड़े क्रूअल हैं, बड़ी सीधी सीधी रिपोर्ट्स इनकी आती हैं, IMF है बड़ी सीधी रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की सीधी रिपोर्ट्स आती हैं, UN की रिपोर्ट आती है, आपको पता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग है, बाकी बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो कि आपकी एजेंसीज को रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जेट्रो है, मोडीज है, मॉर्गन स्टैनले है, किसी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी बुरी सूरत हाल नहीं लिखी पाकिस्तान के मुतालिक जब से ये आई है हुकूमत। मतलब पहले दिल नहीं करता था कि इनके मुतालिक ये कहें कि ये किसी एजेंडे पे हैं, लेकिन ये तो एब्सोल्यूट तबाही इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है। कैसे
ये जो बजट आया है, बजट के साथ साथ बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की कि पकड़वा दिए, इधर से पंजाब का अपोजिशन लीडर पकड़वा दिया, जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उनको अरेस्ट करवा दिया, एक दिन जरदारी साहब को करवाया, अगले दिन पंजाब के अपोजिशन लीडर को करवाया, शायद अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। देखिए, आप अटेंशन एक दिन की डाइवर्ट कर लेंगे, ये तो एक कंटिन्यूस इशू है ना। ये जो आपकी एक उबाल आना है, 1 जुलाई से इनफैक्ट आएगा सारे का सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है इस बजट का, तो उससे कहां पे लोग रहेंगे। देखिए रजी साहब, ऊपर से डॉलर की हालत आप देखें, डॉलर जो है एक हफ्ता पहले, एग्जैक्ट 1 वीक पहले 148 इंटरबैंक पे था और आज 156 इंटरबैंक पे चला गया। आप 55 कह रहे थे, इनफैक्ट 56 पे चला गया, 156 यानी के। और अब शाम के वक्त अब्दुल फीस शेख जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, एडवाइजर हैं वही चले, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हम डॉलर को कंट्रोल नहीं करते, यानी कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस वक्त आपकी, हमारी पाकिस्तान की जो जो हमारी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, उस पर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि रुपया फ्री फॉल है। आप रुपये को फ्री फॉल करेंगे तो आपका मुल्क, आपकी इकोनॉमी कहां, टका टोकरी नहीं रहेगी। सही, तो इस सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या चीज कंट्रोल होगी। देखिए रजी साहब, हर महीने या आइंदा आने वाले जुलाई में भी पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर कौन कौन अफेक्टिंग नहीं है, सिर्फ कारें चलाने वाले अफेक्टिंग नहीं होते, इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, एक झोंपड़ी में रहने वाला इंसान भी उससे अफेक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में मैं तो कहती हूं, मेरा तो यही ख्याल है कि इस सारी सूरत, अच्छा फिर लोग पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये हुकूमत आई है, इन्होंने आते ही जिस तरीके से बुछाड़ कर दी कि हर चीज पिछलों की वजह से, पिछले 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 पिछले, पिछलों को छोड़ेंगे नहीं, और इनफैक्ट उन्होंने खुद ही डिफाइन करना शुरू कर दिया कि किसकी हमदर्दियां किसके साथ थी, जिसकी वजह से रजी साहब एक बड़ी बुरी सूरत हाल ये पैदा हुई कि कॉन्फिडेंस जो है बिजनेस कम्युनिटी का वो शटर हो गया। आप देखें किस तरह से रिवर्स गियर लगा है स्टॉक एक्सचेंज को, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है उसके बिजनेस को रिवर्स गियर लगा है। पाकिस्तान के अंदर से किस तरह से कैपिटल आउटफ्लो हुआ है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पीछे को मुड़ गई है, मतलब कहां 54,000 पे बिजनेस कर रही थी 2017 में और कहां पे आप 34-35 के ऊपर। अल्लाह से दुआ है कि ये जो बजट आया है इससे कोई बेहतरी की सूरत निकले। फिल वक्त तो खैर मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, सिवाय ये कि एक मुसलसल इकोनॉमिक डिस्कशन में यही कहती है इकोनॉमिक डाउनफॉल, इतने तो कभी लगे ही नहीं, इतने टैक्सेस की तो मत कभी हमने देखी ही नहीं जितनी। सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपना जो बजट का टारगेट जो है वो सरपास किया है, 10वें महीने ही उन्होंने अचीव कर लिया था जो टारगेट सेट हुआ था, और सिंध ने इस दफा लीड ली है कि पंजाब ने और वफाक ने 10-10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं मुलाजमीन की, सूबाई मुलाजमीन की, सिंध ने 15% बढ़ाई है। वो तो पॉलिटिकल वजह है, अब जाहिर है रजी साहब, वो तो लेकिन आम बंदे का भला हो रहा है जी, हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब हमने किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने किया और हमने पंजाब में किया, तो अब उन्होंने 15% बढ़ा दी है। आप इसे पॉलिटिकल भी कह सकते हैं कि उन्होंने पीटीआई से अपने आप को ज्यादा आवाम के करीब होने का तासुर देना है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। ग्रेड्स की सेग्रीगेशन के साथ नहीं, उन्होंने ओवरऑल। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके ऊपर, और अभी तज़किरा भी हुआ है फरियाल तालपुर और सत्यन खान की गिरफ्तारियां जो हैं उनका फ्यूचर की पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। फिलहाल प्रोग्राम में वक्फ। वेलकम बैक, कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमशीरा हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब की और को अक्यूज्ड हैं जो मल्टीपल बेनामी अकाउंट्स हैं उस केस के अंदर फरियाल तालपुर साहिबा, उनको उनके घर के ऊपर नज़रबंद भी कह सकते हैं हम कर दिया गया या गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया, और ये काम नैब के हुकाम ने जाके किया क्योंकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि वो ख़वातीन को ना सिर्फ के इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब नहीं करेंगे बल्कि उन्हें सिर्फ सवालनामा भेजेंगे, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। तो उनकी गिरफ्तारी चूंकि साइन हो गई थी आसफ अली जरदारी साहब के साथ, तो अब उन्होंने गिरफ्तार होना था तो इसलिए उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। जो इतलात हैं वो ये हैं कि उससे पहले उनके वकला ने जाके चेयरमैन नैब से मुलाकात की और ये जो थी फिर डील फाइनल हुई कि उनको उनके घर पर नज़रबंद कर दिया जाए। सत्यन खान साहब मिनिस्टर हैं इस वक्त भी जो बुज़दार साहब की कैबिनेट के अंदर, ये परवेज़ इलाही साहब के भी मिनिस्टर थे, माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर थे, और उस वक्त कुछ चनियोट के मुकाम पे उन्होंने ठेके दिए थे
जिसके इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। अपना गुराया साहब, अब तो दोनों हर तरफ से गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि अब तो बदखा जो हैं वो परवेज लाई साहब का नाम भी ले रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है मुस्तकबिल करीब के अंदर। बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि अभी वो अलीम खान साहब तो वापस आ गए हैं ना। देखिए रजी साहब, मैं नहीं समझता कि बैलेंसिंग एक्ट है। ठीक है, एक देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बात इसमें तो बेहद वजन है ना, कि देखिए चेयरमैन नैब जब बनाए थे तो ज़ाहिर है कि उस वक्त तो पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं था, ना ही किसी और अदारे का था, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और पीएमएलएन ने जाहिर है कि उनको नॉमिनेट किया था, और उनकी मर्जी के बगैर तो बन ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। बहरहाल मैं समझता हूँ कि देखें जिस तरह मियाँ साहब, अब मियाँ साहब के बारे में हम किस तरह कह सकते हैं कि कोई विक्टमाइज है, कि उस वक्त तो गवर्नमेंट उनकी अपनी थी। सही, उनकी गवर्नमेंट अपनी थी, और पीपल्स पार्टी के बारे में जो पुराने रेफरेंस चल रहे थे जाहिर है कि सारी पुरानी हुकूमतों के थे, कोई नया तो मेरे ख्याल में कोई ऐड ही हुआ होगा। अब देखें जहां तक आपने सप्तान खान की बात की है, मौजूदा गवर्नमेंट में वो हैं और परवेज लाई साहब के, देखें ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, मुझे नहीं लगता कि रजी साहब जो जो नाम आप ले रहे हैं, जो जो नाम लोग ले रहे हैं, देखें आवाज़ खलक नकारा खुदा होता है, जिस जिसने इस मुल्क को लूटा है रजी साहब, मैं समझता हूँ कि उसको पकड़ना चाहिए, और मैं इससे आगे जाके ये कहूँगा कि पकड़ना नहीं चाहिए उसको, उससे कौमी जो सरमाया है, जो हमारा आपका सबका आवाम का उन्होंने खाया है, उनके पेटों से निकलवाना। देखिए हमने मियां नवाज शरीफ साहब और उनके पहले उनकी बेटी को भी पकड़ा, अब हमजा शहबाज को पकड़ लिया, जरदारी साहब को पकड़ लिया, फरियाल बीबी को घर में नज़रबंद ज़ाहिर सब जेल करार दे दिया। देखें लोगों को इससे कोई गरज नहीं है कि आप उन्हें पकड़ें या ना पकड़ें, लोगों को गरज है कि आप जितने अरबों खरबों की बात करते हैं, अब आपने आगे एक टास्क फोर्स बनाने की बात की है जो 10 साल का जायजा लेगी। मैं कहता हूं 10 साल का क्यों, पिछले 30 साल का हम क्यों ना लें, क्या उससे जो पहले लोग थे उन्होंने इस मुल्क के साथ कोई अच्छा सलूक किया है? लोगों की राय है रजी साहब के किसी भी हुक्मरान ने अभी तक इस मुल्क के अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इस मुल्क के सरमाए के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब देखें ना सप्तान खान साहब आज मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको पकड़ा है, वो चनियोट के बारे में देखें, ये चनियोट कोई ऐसी आम जगह नहीं है, ये चनियोट वही है रजी साहब। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, और इन्होंने कहा था कि यहाँ पे इतना खजाना है कि इतना खजाना है कि लोग हमसे कर्जा लेने आएंगे, या कर्जा देने तो दूर की बात है, यहाँ सोने के जखायर हैं, चांदी के जखायर हैं, निकला कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने सप्तान खान ने भी या इसने भी अगर कुछ वहां से किया है तो उसके पेट से निकलना चाहिए। अगर वो तकरीर याद हो, यही वाली जिसमें सोने और उन्होंने कहा था लोहे का ज्यादा था, हाँ, उसके अंदर उन्होंने लोहे चांदी सोने और तांबे चार चीजों पर। मैं आपको रजी साहब बड़ी मजेदार बात बताऊं कि जिस दिन वहां उन्होंने तकरीरें की उस जिला का, अब मैं छोड़ू नाम नहीं लूंगा कि उसका ओहदा क्या था, सब एक बड़ा अफसर था, तो मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको फोन किया अगले दिन, हंस के मुझे कहता है गुराया साहब इतों जेड़ा ना रेत निकला है तो बड़ी गल बड़ी गल, और वो रिपोर्ट दे रहा है वहां का मुतलका अफसर, मुतलका अफसर, और हम जो है ना क्या दावे कर रहे हैं जी। और उस वक्त मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने स्टेज पे खड़े होके कहा था कि ये जो हमारे खरबों रुपए के खजाने थे, ये चंद कौड़ियों के इवज गुज़िश्ता हुकूमत, और गुज़िश्ता हुकूमत सप्तान साहब की थी वैसे भाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा इस सिलसिले में मेरी एक दफा ना परवेज लाई साहब से बात हुई। मैं एक जो पॉइंट करना चाह रहा हूँ वो उसको आप कर दीजिए, देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जी वो गुज़िश्ता हुकूमत जो कौड़ियों के मोल इसको बेचने लगी थी, वो हमने आके ठेके कैंसिल किए। अब अगर वो ठेके कैंसिल हो गए और वो सप्तान साहब ने दिए थे, तो फिर सप्तान साहब को तो बैलेंसिंग एक्ट में ही रगड़ा ना जी, वो अब एक ठेका उसने दिया वो कैंसिल हो गया, मैं अवार्ड ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं अब दो चीजें, देखिए एक तो चनियोट में ये तो जो सोने और चांदी वाली बातें हैं ना, वो तो एक अलहदा बातें हैं, उस बारे में मैंने एक दफा परवेज लाई साहब से हम बैठे थे कुछ जर्नलिस्ट, तो पूछा तो उन्होंने कहा जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो ये सोने चांदी की बातें हमें भी बताई गई थी जी। तो हमने अपने तौर पे चेक किया तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने बताया कि यहाँ सवाई आपको रेत मिट्टी के कुछ नहीं मिलना, सो हमने कैंसिल कर दिया था, हमने उसको आगे नहीं। तो ये जो सप्तान खान है, ये मेरे ख्याल में ये रेत छेद या बाकी होंगे
या कोई पत्थरों शत्रों की बात होगी, सोने चांदी कहां से आ गए? सोने चांदी दो इतनी हुकूमतें वहां से निकाल ना सकी, तो इन्होंने कहां से निकालना है? जी जी जी। और भट्टी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं, ये जो मजलूमी का मंत्रा शुरू हो गया है, अब आप गवर्नेंस पे बात ना करें, बिलावल जब आप ऐसे रगड़ेंगे तो अब बिलावल ने कहना शुरू कर दिया कि देखें पहले तो मेरे नाना को फांसी दी गई, उसके बाद मेरी माँ को मारा गया, अब मेरे अब्बा जी को और फुफो को भी गिरफ्तार कर लिया, और प्योर मजलूमियत पे वो आ गए हैं। अगर आप हमजा की कल की तकरीर सुने, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा भी दिल करता था कि माँ मेरा माथा चूमे, लेकिन मुझे जनाब जिसे कहते हैं मखवी के तौर पे परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में रखा था, मैं पाकिस्तान से 10 साल बाहर नहीं जा सका। अब वो भी मजलूमियत का मंत्रा लेके आ गए। हमने जो पूछना था कि भाईजान आपने सिंध में क्या किया या आपने पंजाब में ना क्या किया, वो तो पीछे रह गया। भट्टी साहब जी बिल्कुल रजा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं होती, पाकिस्तान में जो है वो जातियात के ऊपर बात होती है, तसबात के ऊपर बात होती है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना अपोजिशन। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, जो अभी अपोजिशन है पीपल पार्टी और पीएमएलएन की, मौलाना फजलुर रहमान की, इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डे टू डे कितनी बात कर रही हो, वो सिरे से बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे अपने केसेस की, अपनी मजबूमियत की, अपना रोना रोना रो रहे हैं पब्लिक। जब मैं ये कहता हूँ ना कि इस पार्लियामेंट के क्लिनिकल डेथ का ऐलान होना बाकी है, बाकी ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुकी है, तो उसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन का भी उतना ही रोल है इसको गैर मुतालक करने के अंदर। और आम आदमी को ये लगता है अगर वो पाकिस्तान के सियासी मामलात को देखे, पार्लियामानी मामलात को देखे, कि उसके मसाइल के ऊपर बात करने के लिए इनके पास ना वक्त है और ना ही इनकी कोई नीयत है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी के इस्तेमाल की, देखें रोना साहब ये बड़ी एक बारीक लाइन है और मेरा ख्याल है कि इसको समझने की जरूरत है। ये देखें जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो इमरान खान की हो, वो नवाज शरीफ की हो, बेनजीर भुट्टो की हो, वो किसी की भी हो, उसने पॉलिसी डिसीजन लेने हैं। पॉलिसी डिसीजन के ऊपर जो है अगर आप लोगों की पकड़ पकड़ शुरू, एम्बेजलमेंट एक अलग चीज है, पॉलिसी डिसीजन एक अलग चीज है। पॉलिसी डिसीजन ये है कि एक गवर्नमेंट आती है वो तालीम के ऊपर बजट ज्यादा लगा देती है, एक गवर्नमेंट आती है वो डेवलपमेंट के ऊपर बजट ज्यादा लगा देती है, एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसी है कि ज़राअत को जो है वो ग्रो करवाया जाए और दूसरी जो है वो इंडस्ट्री को आगे करती है। तो अगर तो आपने इसके ऊपर उनको पकड़ना है कि जी आपने ज़राअत को क्यों ग्रो करवाया और इंडस्ट्री को क्यों नहीं करवाया, तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक ऐसा ड्रामा है जो कल इमरान खान के साथ भी होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो आज इन्होंने गिरफ्तारी फरियाल तालपुर की डाली है, ये असली गिरफ्तारी जो है ये तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने वहां पे इनके नशों को पकड़ पकड़ के अंदर करना शुरू कर दिया सिंध के अंदर, तो इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और ये भाईजान तो अजमाए हुए हैं, ये तो बनी वाला से बाहर नहीं निकलते थे, ये तो अंदर छुप गए थे। शेख रशीद इनको दवाइयां देता रहा तो कमेटी चौक के अंदर, यार निकल आओ बाहर कुछ नहीं होता। तो ये नंबर इनका भी जब आएगा फिर एक्चुअली देखे अभी वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है, वन साइडेड ट्रैफिक जब तक चलेगी ये आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, इसी को इंतकाम कहते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही, और ये बहुत दफा पहले जो है वो सारी हुकूमतें पीपल पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ कर चुकी हुई है। आप जरा ये भी नए नए हैं मजा चख लें, लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने भुगतना भी है जब आसफल जरदारी के ऊपर। अगर देखें ना रिजवान साहब, बड़ी सिंपल बात है कि अगर इस खातून को फरियाल तालपुर को केस का फैसला आने के बाद गिरफ्तार कर लिया तो क्या फर्क पड़ता था, जो भी केस का फैसला था। और अब आपने अगर उसे गिरफ्तार, उसके साथ ये कमिटमेंट की गई थी जिस दिन उसने गिरफ्तारी दी, इसी कमिटमेंट के ऊपर दी कि मेरी बहन को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए जाएगी, लेकिन एनी हो इनका डिसीजन है, अब देखते हैं ये डिसीजन पे करेगा। भट्टी साहब एक लाइटर, बट्टी साहब एक लाइटर नोट के ऊपर, जब ये पीटीआई के साथ हो रहा होगा जो आजकल पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, तो फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान किस पार्टी में होंगे? बड़ा एक ये बड़ा क्वेश्चन है जी साहब। अच्छा ये बड़ा मसला है, आप एक क्रेडिट दें असली जरदारी को, वो सही कहता है, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि उसके दौर के अंदर कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी जो है ये भी उन चीजों के ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं कर सके, इनके भाई साहब भी जो है मुख्तलिफ अंदाज में अपने मुखालफीन को रगड़ते थे
और अभी जो है ये तो सब कोई रगड़ना चाहते हैं। इवन कि जो बंदा आज ये बात करे कि यार के साथ ज्यादती हो रही है या सियासी इंतकाम की बू आ रही है इस सारी कार्रवाई में से, तो ये उसको भी रगड़ना चाहते हैं, ये उसको भी गालियां जो है वो दिलवाना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं जी ये भी करप्ट है, तो ये करप्टों की चीजें निकलवाने वाला जो रिवाज पड़ा है ना, तो ये इनके ऊपर भी आएगा, ये इनके बिल्कुल आएगा, सिर्फ देखते जाए। ये कहते हैं वो के चिराग सब पे बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, हवा किसी की नहीं, के इनको इंतजार करें और फिर देखें कि क्या तमाशा होता है। राहत अंदोई का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नैब ने जी डॉक्टर साहब फरियाल तालपुर साहिबा को 4 बजे का वक्त दिया था कि आप उस वक्त तक बेल करवा लें, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया। सिमिलरली मैं इसमें सिमिलैरिटी और मैं गुराय साहब आपसे भी इसके बारे में जान लूंगा राय। सिमिलरली हमजा शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ के अपनी बेल पटिशन वापस ली हाई कोर्ट के अंदर, बल्कि उसने कहा कि मैंने आर्गू नहीं करना, अदालत अपना वर्जन दे दे, और अदालत ने उनकी बेल पटिशन जो थी वो डिसमिस्ड एज विदड्रॉन, मतलब के वापसी के वापस लेने की बुनियाद के ऊपर वो उन्होंने कर दी उसमें फैसला। ये क्या है, मतलब कि क्या अपोजिशन को यकीन, अपोजिशन के इन लोगों को यकीन हो गया कि छोड़ना तो हमें है नहीं, तो हमने हमने अपना केस प्लीड ही नहीं करना, या फिर उन्हें ये है कि जनाब एयर कंडीशन जेल बनाई है नैब ने, सुकून से जाके वहां पे रहते हैं जितने दिन रहना है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद कोई जान छूट ही जाएगी। देखिए सुकून तो कोई नहीं होता जेल में, जेल तो जेल खसूस होती है। एक अलीट मैंने 3 दिन की भुगती है जी, मुझे तो 3 दिन में ही पता चल गया। साहब एक अलीट क्लास के लोगों का एक लाइफस्टाइल होता है। हाँ बुनियादी तौर पर अमूमी जो बात है इसके पीछे जो बात है वो उस अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव की बात है। अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव ये है और जो कि मौजूदा हुकूमत ने चलाया हुआ है वो ये है कि करप्टों की चीखें निकलवाएंगे। वो चीखों की बात जो है वो तो खैर मैं समझती हूँ कि वो अप्लाई होती है 22 करोड़ अवाम के ऊपर। जो बात रहेगी अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी में क्या चीज आपको नजर आती है? प्रॉपरली पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी है। ये अकाउंटेबिलिटी हमने देखी है आमरों के दौर में। मैं अर्ज करती हूँ रजी साहब, क्या नैब के पास नहीं एप्लीकेशंस गईं? क्या नैब के चेयरमैन को नजर नहीं आता कि 8 अरब के मंसूबे से शुरू होने वाला पेशावर मेट्रो BRT इस वक्त 100 अरब को टच कर गया और अभी तक उसके ब्रिज ग्रा ग्रा के दोबारा बन रहे हैं। 118 क्रॉस, रास्ता चौड़ा 118 अरब तक पहुंच गया, अभी तक चली नहीं, क्रॉस कर गया 118 क्रॉस कर गया, अभी तक चली नहीं, चलने के चांसेस नहीं। जो मोड़ बनाए गए हैं, जो राउंड अबाउट बनाए गए हैं, वहां बसें नहीं मुड़ सकती, वहां पे बसों जो इतनी उसमें फॉल्ट्स हैं कि उसके सारे करता धरता इस वक्त नैब की कस्टडी में होने चाहिए थे, क्योंकि हर चीज जो है जो ग्रा ग्रा के दोबारा बनाई गई उससे फैसल वाडा साहब को देख लें, उनके सारे कॉस्ट कहां पे चली गई। मैं यही बताने लगी थी, फैसल वाडा साहब टीवी पे आके कहते हैं कि 5,000 बंदे लटका दिए जाए तो मुल्क के 22 करोड़ अवाम का फायदा हो जाएगा। ये वो क्या बात करना चाहते हैं और कौन सा शोशा छोड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रजी साहब इस आदमी की 9 प्रॉपर्टीज निकली हैं लंदन में जो कि अनडिक्लेयर्ड है, ये वजीर है इस वक्त, वफाकी वजीर है। इसकी कराची में प्रॉपर्टीज निकली हैं जो कि इसने डिक्लेयर नहीं की हुई। ना सिर्फ ये कि वो कन्फिस्केट होनी चाहिए बल्कि इसको वजारत से हटाते हुए इसका इलेक्शन कमीशन से इसकी वो जो है वो चैलेंज होनी चाहिए और वो जाहिर है इसकी जो कौमी असम्बली की रुकनीत है वो मुअत्तल होनी चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन के सीधे असूल हैं। लेकिन इतना इन्फ्लुएंशियल है, इतना बड़ा ये फाइनेंसर है अपनी पार्टी का या हुकूमत का या जो भी आप कहें, हो सकता है किसी का फ्रंट मैन हो, जो वो तो बहुत सारे का है वो हमें नजर आता है। हम सारी बातें टीवी पे नहीं कर सकते लेकिन सारी बातें नजर तो आती हैं। देखें कितने प्रोग्राम इसके खिलाफ हुए हैं टीवी के ऊपर, वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम नहीं अपने खिलाफ होने देता। वो 10-15 दिन टीवी पे नहीं आया, जरा चुप करके मुंह नीचे को करके बैठा रहा, फिर उसने आके परसों वो शोशा छोड़ा है 5,000 बंदे मारने का। 5,000 बंदे तारीख में किसने मारे हैं और किस उसकी रेजिस्टेंस कहां पे गई है? ये 200 बंदा मार के देख लें, 200 बंदा मारने के बाद जो सिविल वॉर होगी रजी साहब, जो सिविल वॉर होगी, वो एक बंदे को फांसी दी थी जुल्फकार अली भुट्टो को, अभी तक रियासत उससे बाहर नहीं निकल पाई, बाहर नहीं निकल पाई और अभी तक वो सिंध कार्ड मौजूद है। वो सिंध कार्ड जो है वो नैरेटिव किसी भी वजह से किसी भी वक्त दोबारा सर उठा सकता है और ऐसा होता है दुनिया में। मतलब देखें आप दुनिया में इस किस्म की हिटलर टाइप की पॉलिसी, एक रैबिड नेशनलिज्म या इसको हम फासिस्ट गवर्नमेंट अगर कहें, इस किस्म की पॉलिसीज को अगर आप लेके चलने की कोशिश करते हैं तो उसके लेवल पे जो रेजिस्टेंस आती है
और मोर टू इट वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से जो एक एग्जिस्टिंग आपका पावर स्ट्रक्चर है वो किस बुरे तरीके से शेटर होता है। रजी साहब, ये ऐसी बातें करने वालों को सोचना चाहिए। शेख रशीद साहब ने एक जो फासिस्ट बात की, उन्होंने कहा जी जेलों से मैयतें निकलेंगी, जेलों से जनाजे निकलेंगे, ये इस बात का क्या मतलब है? ऐसे बंदे को पैमरा को टेलीविजन पे आने के लिए बैन करना चाहिए जो ये कहता है कि मैं जेलों के अंदर बंदे मरवाऊंगा। यानी कि जेलों के अंदर तो पाकिस्तान की लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के 3 तवा मुंतखब वजीर आजम हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब सदर 5 साल रहे, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। मतलब ये कि जो पीटीआई में नहीं है या इनका हवारी नहीं है या इनको सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर रहा, उसकी ये लाशें निकलवाएंगे जेलों से? मतलब व्हाट इज दिस? इस किस्म के लोग ये है, इसको कहते हैं हेट स्पीचेस और हेट मतलब नफरत वाली गुफ्तगु करना। ऐसे लोगों को पैमरा को बैन करना चाहिए, बजाय ये कि आप एक जेन्युइन फंडामेंटल राइट जो कि आपकी जो कि आपकी डिफेंस को, यानी कि आपके आपके उस हक को जिस पे जिससे आप इख्तलाफ करने की जाहिर है क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको आप स्नब करने की बजाय ऐसी हेट स्पीच करने वाले लोगों को टेलीविजन पे आने से रोकना चाहिए, जो आके ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं बल्कि बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं। बेशक वो हरेस कर रहे हूं, लेकिन उस बात का मतलब क्या है? सही गुराया साहब, ये जो मैंने दो बातें दी कि एक तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वो वापस ली बेल एप्लीकेशन, और दूसरा फरियाल तालपुर साहिबा को आज 4 बजे तक का वक्त दिया गया था, और कल से उनके वकला जो थे वो चेयरमैन नैब के साथ इन टच थे, जो ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल भी नहीं करवाई और आज उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। ये क्या है? मतलब आप इतने अरसा पोलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे। देखें रजी भाई, पॉलिटिकल रिपोर्टर रिपोर्टिंग तो बाद की बात है, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन जो ये आपने कोर्ट्स की बात की, मेरे से बहुत ज़्यादा कोर्ट्स को आप समझते हैं आप। देखिए जो हमज़ा, देखिए हमज़ा ने कुछ दिन पहले दिन तो नहीं कर दी ना, उससे पहले भी तो तारीखें डर रही थी ना। हाँ, वो तारीखें उसको रिलीफ मिल रहा था एक अरसे से, तो अब उसने देखा कि अब उनके पास शायद आर्गू नहीं रह गए थे, और उन्होंने देखा कि अब हमारे पास कोई आर्गू ही नहीं है, तो हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, तो हम क्यों ना ऐसे अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लें कि हम इसको वापस ले लें। सो मैं समझता हूं कि उस दिन उनका वापस लेना ना लेना एक ही बराबर था, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने एक अपना एक पॉइंट। अब सेकंडली देखिए, फरियाल बीबी की जहां तक बात है, ये उनके जो कोई अंडर हैंड रबते थे मुझे तो इससे कोई पता नहीं, लेकिन देखिए मैंने जो वीडियो देखी है जिसमें आसिफ जरदारी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जाके उनको सारा कुछ सर्व करवाया, सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है, और नैब वाले गए हैं और उन्होंने आगे से बड़े आराम से गिरफ्तारी दे दी है। और जहां तक फरियाल बीबी की बात है, अगर देखें ये एक पाकिस्तान के कानून में है, क्या क्या आप, नहीं, 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 वो ठीक है आपकी, आप उनको क्या हो सकता उनके है? घर को जो है ना सब जेल करार दे दिया गया। देखिये मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात है, जिस तरह देखे ना कि मरियम बीबी को भी रिलीफ देने की बात की हमेशा की, हालांकि वो जेल में भी रही, तो खवातीन को अभी शहबाज साहब की फैमिली को जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने उनको भी जो है ना सवालनामे दे दिए, तो मैं सवालनामा घर भेज दिया। हाँ, बट मैं आपको बताऊं कि ये एक सिस्टम चलते रहते हैं। बट एक मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुजरम है, अब देखें इसमें हम कोई पॉलिटिकली डिसएग्री करे या एग्री करे, मियां नवाज शरीफ साहब मुजरम है ना, हमजा शहबाज शरीफ साहब मुजरम है ना, आसिफ अली जरदारी साहब मुजरम है ना, और जनरली लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने मुल्क के खजाने को लूटा है। मुझे तो इस पे भी एतराज है कि हम इन लोगों को क्यों रिलीफ दे रहे हैं, क्यों घरों को हम सब जेल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों हम जो कुछ लोग हैं उनको हम एयर कंडीशनर जेलों में दे रहे हैं, क्यों हम उनको 12 बजे के बाद जेलों में लेते हैं। देखें एक डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे तो इस मुल्क के कानून से आप कानून समझने वाले हैं रजी साहब, बड़ा इख्तलाफ है कि क्या आज भी अमीर के लिए और गरीब के लिए दो अलग-अलग कानून है। अब आप कोट लखपत जेल में चले जाए ना कि जहां मियां नवाज शरीफ साहब को जो सहूलियात मिल रही हैं, क्या एक आम कैदी जो उनके साथ वाले सेल में है उसको मिल रही हैं? क्या बाकी जगह पे अब आसिफ अली जरदारी साहब को जो सहूलतें मिल रही होंगी, क्या वो किसी और को मिल रही हैं? नहीं, उन्हें तो अटेंडेंट भी मिला होगा। अटेंडेंट तो देखे ना, ये बड़े जुल्म की बात है ना कि मैं गरीब हूं, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं भी मुजरम हूं और एक दूसरा भी मुजरम है, तो डिस्क्रिमिनेशन मुजरमों के दरमियान क्यों हो रही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मोहसिन गुराया साहब, डॉक्टर साहिबा और मुमताज भट्टी साहब, आप तीनों साहब का शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नई खबरों, तबसरों और तबसरा निगारों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।